नमस्कार, मैं ललित। आज की इस वीडियो में मैं आपको मोहनजोदड़ो से मिली कांसे की नर्तकी की मूर्ति के बारे में बताऊंगा। सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि अब तक अनुसुलझी सभ्यताओं में मानी जाती है, क्योंकि इसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसकी बहुत सी बातें अभी तक अनसुलझी है। इस सभ्यता की खुदाई से जो हमें वस्तुएं मिली है, उसी के आधार पर हम इसका इतिहास लिखने का प्रयास कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के एक बड़े शहर मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में आया हुआ है, कि खुदाई से हमें एक कांसे की मूर्ति मिली है, जो कि एक लड़की की है। ये बहुत ही विशिष्टता के साथ बनाई गई है। ये कांसे की नर्तकी की मूर्ति देखने में बहुत आकर्षक है। इस मूर्ति के शरीर पर वस्त्र नहीं है। दायां हाथ कलाई से लेकर कंधे तक चूड़ियों से भरा है तथा नीचे लटक रहा है। बाएं हाथ में 3-4 कंगन है, जो कि कमर पर टिका हुआ है। उसके गुंगराले बाल पीछे की ओर जूड़े में बंधे हुए हैं। गले में छोटा हार तथा कमर में मेखला है। पूरी मूर्ति देखने पर नर्त्यरत मुद्रा में लगती है, इसलिए इतिहासकारों ने इसे नर्तकी की मूर्ति कहा है। मोहनजोदड़ो से मिली कांसे की नर्तकी की मूर्ति की वास्तविक ऊंचाई को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार और पुरातत्वविद उसकी ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर तो कुछ उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर मानते हैं। अपनी मुद्रा की सरलता एवं स्वाभाविकता के कारण ये मूर्ति सबको आश्चर्यचकित करती है। संपूर्ण मूर्ति का निर्माण सांचे में डालकर एक ही बार में किया गया है। इस प्रक्रिया को द्रव्यमोम विधि कहा जाता है। आज भी द्रव्यमोम विधि से मूर्तियां बनाई जाती है, तो सोचा जा सकता है कि लगभग 4,500 वर्ष पहले ये सच में क्रांतिकारी विशिष्टता होगी। बहरहाल, विश्व प्रसिद्ध मोहनजोदड़ो की नर्तकी की मूर्ति आधुनिक विज्ञापन का नजारा पेश करती है।